गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। इन प्रीवियस क्लास वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर ए बी सी ऑफ चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज व्हाई डिड द पीपल मॉक हिम। व्हाई यानी क्यों, डिड क्यों यहां पर यूज हुआ है, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। और मैंने आपको बताया था डिड जवाब में भी क्वेश्चन में आए तो डिड को हटाकर आंसर बनाते समय वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो व्हाई डिड द पीपल, जो लोग थे, मॉक हिम, मॉक हिम यानी कि मजाक उड़ाया, हिम यानी उसका, किसका, चाम का मजाक क्यों उड़ाया पीपल ने, लोगों ने। तो इसका आंसर है चाम ब्रॉड, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉड। ब्रॉड यानी लाया, एम्प्टी पोट, कैसा लाया था, खाली पोट लाया था, इसलिए दैट्स व्हाई, इसीलिए पीपल जो लोग थे क्वेश्चन नंबर ई, व्हाई डिड द एम्परर चूज चांग एज हिज सक्सेसर। क्वेश्चन नंबर ई है, वापस मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूं। व्हाई एंड क्यू डिड द एम्परर, जो एम्परर था, राजा था, चूज एंड चुना चांग को चुना एज हिज सक्सेसर, अपने सक्सेसर के रूप में उसने चांग को क्यों चुना, राजा ने क्यों चुना था, आपको बताइए। चांग ने बिल्कुल ऑनेस्टी बताई थी और अपना जो बीज था, जो बॉइल्ड बीज राजा ने दिया था, उसको सब्स्टिट्यूट चेंज नहीं किया था। बाकी अंदर जितने भी यूथ थे, जितने भी पीपल्स थे, उन्होंने क्या किया था, अपने बीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया था अदर बीज से। ओके, तो आंसर है चांग डिड नॉट सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि चेंज किया हिज सीड, अपने सीड को चेंज किया टू न्यू सीड से चेंज नहीं किया। ओके, एंड चांग मेंटेन कंप्लीट ऑनेस्टी, और जो चांग था मेंटेन बनाए रखी कंप्लीट ऑनेस्टी, पूरी ऑनेस्टी को बनाए रखा, दैट्स व्हाई, इसीलिए द एम्परर, जो एम्परर था, चूज किया सेलेक्ट किया चांग एज हिज सक्सेसर, चांग को अपने सक्सेसर के रूप में सेलेक्ट किया। समझ में आ गया, क्योंकि चांग ने क्या किया था, अपने जो शील्ड दिया था किसने, राजा ने, उसको चेंज नहीं किया था। ओके, और बाकी सबने चेंज कर दिया था, और उसने क्या किया था, चांग ने पूरी अपनी ऑनेस्टी बनाए रखी थी, और उसका ऑनेस्टी का उसको क्या रिजल्ट मिला था, कि एम्परर ने उसको क्या सेलेक्ट किया, अपना सक्सेसर के रूप में सेलेक्ट किया। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर डी और ये आपको नोटबुक में करना है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की ओर, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर एफ की ओर। ब्रैकेट बना हुआ है,
ब्रैकेट में आपको टिक करना है, ओके, बाकी और कहीं पे भी टिक नहीं करना है। समझ में आ गया? तो समॉन का इसमें ऑपोजिट्स क्या है? डिसमिस है, ओके। सेकंड है सक्सेसर। सक्सेसर यानी कि अपना उत्तरदायित्व, सक्सेसर का अपना उत्तरदायित्व यानी आगे बढ़ाने वाला। सक्सेसर मींस उत्तरदायित्व निभाने वाला या वंशज बोल सकते हो, और आगे बढ़ाने वाला तो इसका एंटोनिम्स होगा प्रीडिसर। क्या होगा? प्रीडिसर। तो आपको इसमें किसमें टिक लगाना? प्रीडिसर में, ओके। सेकंड है सक्सेसर, SUCCESSOR, इसका एंटोनिम्स क्या है? प्रीडिसर। उसके आगे आपको ब्रैकेट के आगे क्या लगाना है? टिक लगाना है, ओके। समझ में आ गया? प्रीडिसर के आगे आपको ब्रैकेट में टिक लगाना है। मैंने थोड़ी स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी है। अंडरस्टूड? थर्ड है फ्लेवागास्टिड। फ्लेवागास्टिड यानी कि वोचेकर है ना। थर्ड मैंने क्या बताया था? फ्लेवागास्टिड का मींस वोचेकर है ना। तो उसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा अनइम्प्रेस। अनइम्प्रेस यानी अप्रभावित। एक तो वोचेकर है ना, एकदम सरप्राइज रह जाना, और दूसरा उसका ऑपोजिट क्या होगा? अनइम्प्रेस यानी कि बिल्कुल इफेक्ट नहीं करना। तो फ्लेवागास्टिड का क्या होगा? अनइम्प्रेस। थर्ड है आपका फ्लेवागास्टिड। ओके, और अनइम्प्रेस्ड का मींस क्या बताया? अप्रभावित। और फ्लेवागास्टिड मींस वोचेकर है ना, एकदम दंग रह जाना। वंडर होता है ना, वंडर कैसा साउंड करता है? एकदम किसी को देखते हो तो वंडर होता है। और अनइम्प्रेस्ड में अप्रभावित होना, बिल्कुल ही कुछ मूवमेंट नहीं होना। फोर्थ है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का क्या होगा इसका? जेनुइन। सब्स्टिट्यूट का एंटोनिम्स क्या होगा? जेनुइन। सब्स्टिट्यूट नॉर्मल या जो चल रहा है उसी तरीके से। जेनुइन मींस नॉर्मल, असली। समझ में आ गया? तो मैंने आपको सारे बता दिए। समोन का एंटोनिम्स क्या होगा? डिसमिस। उसके आगे आपको टिक लगना है, पेंसिल से करना है और बुक में फिल करना है। सक्सेसर इसका क्या होगा? प्रेडिसर। पेंसिल से करना है और बुक में ही करना है, ओके। फ्लेवागास्टिड का अनइम्प्रेस्ड और सब्स्टिट्यूट क्या होगा? जेनुइन, ओके। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर डी और ई आपको नोटबुक में करना है, और क्वेश्चन नंबर एफ पेंसिल से बुक में फिल करना है। थैंक यू बच्चों।